तो दोस्तों नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल माँ की रसोई घर में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं सूप वाला थोपा। तो इसके लिए हम चाउमीन ले लिए हैं, तो इस चाउमीन को हम बॉईल करेंगे। इनको उबालने के लिए हम यहाँ गैस जलाकर डिप बर्तन में पानी रख दिए हैं गर्म होने के लिए। पानी गर्म हो चुका है तो इसमें हम एक चम्मच नमक डाल देंगे और यहीं पर बड़ा एक चम्मच रिफाइन तेल डाल देंगे। पानी में नमक और तेल को अच्छे से इस तरह चलाकर मिला लेंगे। पानी गर्म हो चुका है तो इसमें हम अब चाउमीन डाल देंगे। तो इसे बढ़िया से चाउमीन डालकर मिला देंगे और इसे पकने तक उबालना है। तो देखिए दोस्तों, चाउमीन बहुत ही अच्छा उबल गया है। देखिए बहुत ही अच्छा ये उबल गया है चाउमीन। तो इसे अब हम छान लेंगे, तो छान कर दिखाते हैं। चाउमीन को हम छान लिया, अब ठंडे पानी से थोड़ा इसे धो लेंगे। ठंडे पानी से धो देने से ये फ्रेश हो जाता है एकदम चाउमीन। तो अब चाउमीन को हम साइड में रख देंगे, ये ठंडा होगा तब तक हम मसाले का तैयारी कर लेते हैं। तो थोपा सूप बनाने के लिए हम यहाँ पे 5 टमाटर लिए हैं, जिसे इस तरह छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं, और 3 प्याज लिए हैं मीडियम साइज के, इसे भी इस तरह टुकड़ों में बड़े बड़े टुकड़ों में ही काटे हैं, और यहाँ पर हरे मिर्च लिए हैं, और यहाँ पर अदरक और लहसुन को छिल कर ले लिए हैं। तो इन सभी को भूनेंगे। तो कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दिए थे, तेल गरम हो चुका है तो अदरक और लहसुन डाल देंगे। हम प्याज भी डाल देंगे इसमें और इन्हें थोड़ा सा भून लेंगे। इसे भूनने में हम ज़्यादा तेल यूज नहीं किए हैं, 1 चम्मच ही तेल लिए हैं। तो ये भून चुका है थोड़ा, तो इसमें हम टमाटर को डालकर भून लेंगे। इसे बढ़िया से चलाते हुए सॉफ्ट होने तक भून लेंगे। देखिए इसे अच्छे से भून लिए, अब इसे हम निकाल कर प्लेट में और ठंडा कर कर इसे पीस लेंगे। तो देखिए फिर से हमने गैस पर कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिया है। कढ़ाई गर्म हो चुका है तो इसमें हम सरसों तेल डाल लिए हैं। इसमें अब हम सरसों ले लेंगे तड़का के लिए, तो सरसों डाल देंगे। टमाटर, प्याज और लहसुन अदरक का भूनकर जो रखे थे उसका हम पेस्ट बनाकर ले लिए, तो इसे तेल में डालकर और अच्छा से भूनेंगे। तो सभी पेस्ट को हम डाल दिए हैं कढ़ाई में और इसे अच्छे से भूनेंगे। और यहीं पर जो हमने मिर्च लिया है 6-7 हरी मिर्च को बीच से काट कर ले लिए, इसे डाल देंगे। मिर्च कम तीखा है इसीलिए हम इतना मिर्च लिए हुए हैं, ज़्यादा तीखा आपका मिर्च हो तो कम मिर्च डालिएगा। इन सभी को अच्छे से चलाकर भूनेंगे। ये सभी भून गए अच्छे से, तो अब इसमें हम पानी डाल देंगे। तो जितना आपको सूप चाहिए उसके हिसाब से आप पानी डाल लीजिएगा और इसे अच्छे से चला देंगे। तो देखिए हम सूप ज़्यादा बना रहे हैं तो इसीलिए हम उसी के अंदाज से पानी डाले हुए हैं। इसे अच्छा से चला लेंगे और यहीं पे हम 1 पैकेट मैगी मसाला डाल देंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा सूप में। और स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे और इन सभी को अच्छे से चलाते हुए मिला देंगे और इसमें अच्छे से उबाल आने देंगे। इसके ऊपर हम थोड़ा धनिया पत्ता डाल देंगे। और इसे ढककर अच्छा से उबाल आने देंगे। तो देखिए दोस्तों, सूप में बढ़िया से उबाल आ गया है और सूप बनकर तैयार हो गया है। सभी चीज़ भुने हुए होते हैं तो इसे ज़्यादा नहीं पकाना पड़ता है, ये 3-4 मिनट में ही सूप बनकर तैयार हो जाता है। तो गैस को हम यहाँ बंद करेंगे। सूप बनाने के लिए हम यहाँ पे सूप को बाउल में रख लेंगे। तो सूप जो लिए इसमें हम चाउमीन जो उबाल कर रखे थे इसमें से डाल देंगे। तो सूप में हम चाउमीन को डाल दिए। देखिए अच्छे से सूप में चाउमीन डूब जाना चाहिए दोस्तों। इस तरह एक बार थोपा बनवा के ज़रूर खाइएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो बढ़िया से सूप में हम चाउमीन को डुबा देंगे। देखिए कितना टेस्टी थोपा बना है। और इसके ऊपर हम थोड़ा सा धनिया पत्ता और डाल देंगे। तो देखिए दोस्तों, बनकर थोपा तैयार हो गया, बहुत ही टेस्टी लगता है यह थोपा खाने में। आप लोग भी इस तरह घर में बनाकर खा सकते हैं। तो दोस्तों घर में बनाकर खाइएगा और कमेंट कर बताइएगा कि मेरा थोपा का रेसिपी आप सभी को कैसा लगा। रेसिपी अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।